अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 25। एंड सॉरी बहुत दिनों के बाद आया हूँ, फिर से बीमार पड़ गया था। आजकल बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगा हूँ। ईद भी घर में सोकर गुजारी और शदीद खांसी, आज भी बहुत ज्यादा खांसी है, बुखार उतर गया है बट थोड़ा नजला और खांसी है। मैं खांसूंगा, बहुत ज्यादा खांसूंगा, लेकिन मैं एडिट कर लूंगा बाद में, सो डोंट वरीज। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एक इमेज ट्रेस, आपके जिस तरह से हम एक तो पेन टूल से ट्रेसिंग करते हैं वो एक अलग चीज है। एंड हाँ, जब हमें एक्यूरेट सा रिजल्ट चाहिए होता है तो हम डेफिनेटली पेन टूल से ट्रेस करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बहुत ही छोटी सी चीज जल्दी से ट्रेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूजली कुछ आइकन्स या समटाइम्स कुछ लोगो या कुछ बहुत छोटा सा कोई सिंबल या कोई मोटिव, कोई डिजाइन, कुछ इस टाइप की चीज होती है जो जल्दी से हमें चाहिए होती है वेक्टर में, तो हम उसको यहाँ इमेज ट्रेस का एक ऑप्शन है इलस्ट्रेटर में, उसके थ्रू करते हैं। एंड देन उसके बाद हम एक दूसरी चीज आज देखेंगे इसी के साथ ही इसी क्लास में, हाउ टू लाइव पेंट। आपका एक टूल है लाइव पेंट बकेट, वो हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि एक इमेज को ट्रेस करेंगे और उसमें फिर हम कलर्स फिल करेंगे। सो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लगेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ गूगल पे आ रहा हूं और गूगल पे आकर के मैंने ये किया कि मैं सर्च कर रहा हूं कलरिंग पेजेस, ठीक है जी। और कलरिंग पेजेस क्या होते हैं, ये आप लोगों ने बचपन में भी कलरिंग बुक्स देखी होंगी जिसमें बिल्कुल ब्लैक आउटलाइन के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स बने होते थे एंड देन वी यूज टू कलर देम, ठीक है। सो एग्जैक्टली वही चीज हम आज यहाँ पे इलस्ट्रेटर में करेंगे। एंड मैं लेट्स से मेरे आजकल बड़े फेवरेट हैं ये वैसे मिनियंस, मिनियंस के कलरिंग पेजेस सर्च करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स गो टू इमेजेस। अच्छा, गूगल आपको एक और बहुत काम की चीज देते हैं, यहाँ टूल्स पर आके यहाँ साइज पर लार्ज पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको बड़े साइज के इमेजेस मिले। लेकिन ये वो बड़े साइज के इमेजेस वो होते हैं जो जिनकी रेजोल्यूशन जरा हाई होती है और ये पिक्सलेट नहीं होते हैं। सो लेट सर्च कोई अच्छा सा इसमें से सेलेक्ट करते हैं एंड उसमें हम कलर्स फिल करेंगे, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग। बड़ा रफ सा बना हुआ है, मुझे जरा अच्छी क्वालिटी का चाहिए इमेज जो कि रफ ना हो। यस दिस इज गुड वैम्पायर। एंड यहाँ इलस्ट्रेटर में ना, अब इस इमेज को हमें यहाँ इलस्ट्रेटर में लाना होगा एंड देन फिर हम इसको ये करेंगे कि इमेज ट्रेस करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर आके प्लेस किया, दैट्स इट। नाउ ये है थोड़ा बड़ा सा इमेज, कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, अब अच्छा एक चीज और देखें, और से देखा यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत लाइट सा वाटर मार्क आ रहा है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, ये हट जाएगा बिल्कुल। और ये देखें इस वक्त ये इमेज जो है ये रास्टर इमेज है और रास्टर इमेज यू नो सबको पता है कि ये वेक्टर नहीं है। हाँ, अब अगर मैं बैठ के पेन टूल से इसको ट्रेस करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पर हम एक बहुत छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे ही आप कोई भी रास्टर इमेज क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने आर्टवर्क में, तो यहाँ ऊपर देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, अनएम्बेड या एम्बेड का ऑप्शन आ रहा होगा अगर आपने लिंक रखा हुआ है तो। यहाँ पर देखें ये आपके पास आ रहा है इमेज ट्रेस। नाउ अगर मैं इस पर खाली क्लिक कर दूं, ये थोड़ा सा कुछ काम करेगा एंड देन डन हो चुका ये। नाउ इस इमेज ट्रेस को मैं थोड़ा सा अलहदा से समझाना चाहूंगा। अच्छा हाँ, ये बात याद रखें, ये हो चुका है।
ये हर सूरत में इतना अच्छा नहीं रहता है। मैं जरा अंडू कर दूं, आपको दिखाऊं कि ये पिक्सेलेटेड है इमेज, ये रास्टर इमेज है राइट। लेकिन मैं जैसे ही इमेज ट्रेस करता हूं तो ये कंप्लीटली वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कई सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये काम नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा ये इसके ऊपर भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कुछ और इमेज लेकर आता हूं, जैसे कलरिंग पेजेस। फ्लावर एंड मैं यहां से एनी साइज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस वक्त बड़ा साइज का इमेज नहीं चाहिए, मुझे लो क्वालिटी का इमेज चाहिए। थोड़ा जैसे ये एक इमेज है, ये बहुत ही छोटा है, लाइक 302 बाय 320, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां से, आप कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। सो मैं यहां पर लाके पेस्ट कर रहा हूं। अब देखिए ये इतना हाई क्वालिटी का इमेज नहीं है। सी, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो बहुत बुरी क्वालिटी का इमेज आ रहा है, सही है। और अगर इसको मैं यहां से डायरेक्टली ट्रेस करता हूं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नाउ इस तरह के इमेज में हमें क्या करना होगा कि हमें जाना होगा विंडो, और इमेज ट्रेस का यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होता है, सही है। इसको खोलें, ये एक पैनल आपके सामने आ जाएगा। आप सिर्फ यहां से इसको प्रीव्यू ऑन कर दें और अब आपने बढ़ाना है यहां से थ्रेशोल्ड। अच्छा जी, थ्रेशोल्ड बढ़ाने से ये होगा कि वो मैक्सिमम डिटेल उसके अंदर से निकालना शुरू करेगा। नाउ याद रखिएगा कि वो बहुत लो क्वालिटी का इमेज था, वो 100% वैसा नहीं आ सकता, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ एडवांस्ड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल पाथ आपको लो रखनी है अगर कम पाथ चाहिए, या हाई चाहिए। हाई देंगे तो देखें डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। कॉर्नर्स आपको अगर बिल्कुल लेस कर देंगे तो बहुत स्मूथ से एजेस आएंगे, अगर आप शार्प एजेस चाह रहे हैं तो कॉर्नर्स बढ़ा दें, ठीक है। देन नॉइज मैं अगर बढ़ाता हूं तो देखें क्या हो रहा है कि इसने बहुत सारे एरियाज को बिल्कुल डार्क कर दिया है। अगर आप नॉइज कम कर देते हैं तो देखें और ज्यादा डिटेल्स आना शुरू हो जाती है। मगर देखें बात वही है कि ओरिजिनल जो था वो बहुत लो क्वालिटी का इमेज था, ठीक है। नाउ जैसे ये हो जाए उसके बाद आपने ये करना है कि यहां से आके इसको कर देना है ऊपर। देखें यहां पर ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड कर देंगे, अब आपके पास पूरी वेक्टर पाथ आ रही है। नाउ एक और छोटी सी बात कि इसमें इस वक्त व्हाइट कलर भी मौजूद है। तो एक बड़ा सिंपल सा काम करेगा, यहां से मैजिक वांड से व्हाइट पे क्लिक करें और ये पूरा व्हाइट सेलेक्ट कर लेगा एंड देन डिलीट कर देगा, ठीक है। अब हाँ, थोड़ी बहुत सफाइयां आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि अब वो हमारा इमेज जो था वो बहुत लो क्वालिटी का था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब ये वेक्टर है और आप इसके अंदर भी मजीद एडिटिंग जो भी करना चाहें कर सकते हैं। नाउ जहां तक ताल्लुक है कि अगर आप कोई कलर्ड इमेज लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं मिनियंस का ही कोई फोटो लेकर आता हूं एंड गो फॉर सम गुड क्वालिटी इमेज। सिंपली ये कलर इमेज लेकर आया, अगर मैं इसको यहां से डायरेक्टली ट्रेस कर दूं तो ये इस तरह से रिजल्ट देगा, ठीक है। अंडू कर दिया मैंने, अगर मैं यहां से प्रीव्यू ऑन करता हूं, अब देखें आपके पास फिर वही बात है कि आप इसको थ्रेशोल्ड के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखें बहुत बुरा सा रिजल्ट आपके पास आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इस वक्त जो हम मोड यूज कर रहे हैं दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। यहां से आप आके ग्रे स्केल भी कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत हैवी हो जाता है। और इस तरह से ट्रेस करके किसी को दिखाना नहीं, ये नहीं बोलना कि मैंने बनाया। एवरीवन नोज के इलस्ट्रेटर में ये फीचर है, ये आपने लाइव ट्रेस किया हुआ है या इमेज ट्रेस किया हुआ, ठीक है। दिस इज वेक्टर, ग्रे स्केल वेक्टर। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये इस तरह का है, ठीक है जी। सो या कई सारी चीजों में ये काम तो आ सकता है अगर आप लेना चाहें इससे काम। एंड बहरहाल वो सारी चीजें यहाँ पर भी मौजूद हैं कि आप कितना ग्रे इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड था वो यहाँ पर अब ग्रे में कन्वर्ट हुआ हुआ है एंड सो ऑन। सो आई बिलीव इतना ज्यादा मसले वाली चीज नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप खुद भी इसमें से अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड इवन यहाँ पर मैंने कलर अगर नहीं, आई मीन मैंने सो ग्रे स्केल लिया हुआ था, अगर आप चाहें तो कलर भी ले सकते हैं,
ठीक है जी। लेकिन हाँ ये बात याद रखिएगा कि कलर्स फिर बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स ये बना करके आपको अपना कलर इमेज देता है। सी दिस, दिस इज वेक्टर नाउ। सो दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये इतना यूजेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप कहीं इसको यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हमारा काम आज का ये नहीं था, हम कर रहे थे ये। सो अब देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहां से इमेज ट्रेस कर भी देता हूं तो ये बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छा सा आपको आउटलाइन दे रहा है। क्योंकि दो वजह, एक तो ये कि सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर था, सिंपल था। नंबर टू के बहुत अच्छी क्वालिटी का हाई रेजोल्यूशन इमेज हम लेकर आए थे, इसलिए बहुत फाइन डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली आ गई, तो इसमें इतनी ज्यादा मेहनत से ना इलस्ट्रेटर को करनी पड़ी ना हमें करनी पड़ी। सही है ना। अब सवाल ये पता होता है कि अब इसके अंदर है क्या। देखें ये याद रखिएगा कि जब ये आप ये इसको इमेज ट्रेस करते हैं तो ये एक कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है और आप इसकी पाथ नहीं देख पाते। ठीक है, सो फॉर अगर आपको ये देखनी है कि पाथ क्या है। अच्छा एक और चीज, मैं इसको देखें यहां रख रहा हूं ग्रे पर, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर व्हाइट भी दिख रहा है। आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होता है, इग्नोर व्हाइट। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो देखें ये व्हाइट हटा देगा। बहरहाल मैं इस वक्त इसके थ्रू नहीं कर रहा हूं, एंड मैं ये चाह रहा हूं कि व्हाइट के साथ ही रहे। व्हाइट को हम बाद में रिमूव कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो इसको जाकर के आप ये करेंगे, ऊपर यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एक्सपैंड का, इसको एक्सपैंड कर दें ताकि ये तमाम पाथ को ब्रेक करके आपको अलहदा से एंकर पॉइंट्स वगैरह दिखाना शुरू कर दें। सी दिस, ये अब आपको सारे एंकर पॉइंट्स दिखा रहा है, विच मीन्स कि ये पूरी की पूरी वेक्टर पाथ मौजूद है। ठीक है, अब आपने एक काम ये करना है कि मैजिक वांड लेना है और व्हाइट एरिया पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप व्हाइट एरिया पर क्लिक करेंगे तमाम तर व्हाइट कलर जो है वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, एंड कीबोर्ड से जाके आप करते हैं डिलीट। राइट, ये हो गया आपका पूरा अलहदा से आर्टवर्क। ओके, अब अगर आप इसमें कोई और कलर की स्ट्रोक देना चाह रहे हैं तो वो एक अलहदा से बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू देना चाह रहे हैं, देखें ये ब्लू हो गया, या जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट के हम इमेज ट्रेस इलस्ट्रेटर में किस तरह से करेंगे। आए अब दूसरा पार्ट, इसमें कलर किस तरह से भरेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी आउटलाइन आपको दिख रही है यहां पर इस वक्त, ये पूरी की पूरी स्ट्रोक नहीं है, ये सारा का सारा फिल है मौजूद। अगर आप देखें मैंने यहां पर ये फिल पे देखें रखा हुआ है, ब्लैक सेलेक्ट हुआ हुआ है, और प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे इनके बीच में जहां जहां पर जगह है वहां पर मुझे कलर्स फिल करने हैं। सो ये ऐसे तो हमें नहीं करने देगा, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला नया और एक और हमारा टूल है लाइव पेंट बकेट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये किस तरह से यूज होता है। लेट्स टेक अ न्यू फाइल। देखें मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सर्कल है और ये एक और सर्कल है, ठीक है, सो अगर मैं इनका फिल ऑफ कर दूं तो इस वक्त आपको कितने शेप्स दिख रहे हैं। जाहिर है दो सर्कल्स हैं, लेकिन शेप्स अगर आप देखें तो एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है, यहां तीन शेप्स है मौजूद। राइट, अगर मैं इनमें तीनों में अलग अलग कलर फिल करना चाहूं तो ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लाइव पेंट बकेट जो है आपको ये ऑप्शन देती है कि आप हर जो विजिबल शेप्स हैं उनके अंदर आप कलर कर सकते हैं। सो मैंने यहां से आके ये लाइव पेंट बकेट लिया, एंड देखें जब जैसे आप फर्स्ट टाइम लेते हैं ये आपका आपको एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप। ठीक है, एक बार आपने खाली क्लिक कर देना है, अब ये तमाम के तमाम अलग अलग शेप्स बन चुके हैं और ये रहे, आप इन सब में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो एक और इसमें इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं, और लेट से मैं जल्दी से रोटेट टूल से इसको यू रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, एंड सो मैं फिल हटा रहा हूं इसमें से वक्ती तौर पर, एंड इसको मैं कर रहा हूं लाइव पेंट ग्रुप। एक बार आप क्लिक कर दें, एक बड़ी मजे की बात यह है कि ये आपका कर्सर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर उसके कुछ तीन बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये क्या बॉक्सेस हैं, ये आपके यही बॉक्सेस हैं जो आपके स्वाचेस में,
सो अगर मैं स्वाचेस में यहाँ रेड लेता हूँ तो देखें ऊपर बॉक्स में स्वाच में रेड दिख रहा है और ठीक उसके बराबर में येलो दिख रहा है। येलो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर येलो है यहाँ पर ब्लैक है, ये आपको वही स्वाचेस ही दिख रहे हैं। सो अगर आप चाहें तो एरो की से अपने कलर्स चेंज करके फिल कर सकते हैं। आप जैसे जैसे मैं इस वक्त राइट एरो की फिल क्लिक करता जा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है कि स्वाचेस में से नेक्स्ट कलर खुद पिक कर रहा है। अब आई एम श्योर ये बहुत अगली सा लग रहा है, बहुत बुरा सा लग रहा है, इतने ज्यादा रंगीन चीजें, मैं सबको मना करता हूँ और मैं खुद आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार आप लोगों को समझाना भी तो जरूरी है कि स्वाचेस के अंदर से आप कलर्स इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। एनीवेज अगर मैं इसको अंडू कर दूं जल्दी से एंड या लेट्स फिल सम कलर्स प्रॉपरली। हाँ आप ये भी कर सकते हो कि अगर ये सारा सिलेक्टेड है तो आप डायरेक्टली क्लिक करके फिल कर सकते हो, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि प्रॉपरली जरा कलर स्कीम के लिहाज से अगर आप कलर्स डालें तो वो ज्यादा डिसेंट लगेंगे, राइट। तो मैं यहां पर लाइट ग्रीन और ले रहा हूं, ठीक है, और ये लाइम ग्रीन मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इन सबको सेलेक्ट करके ये स्ट्रोक हटा दें यहां से, दैट्स इट, ये आपका हो गया एक लाइव पेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक और खास बात देखें, ये लाइव पेंट ऑब्जेक्ट जब भी आपका होता है तो इसके जो बाउंडिंग बॉक्स है वो आपको इंडिकेट कर देगा कि लाइव पेंट ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ इसके बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा सा बड़े, ये छोटे से जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं ये थोड़े से बड़े आ रहे होते हैं रेगुलर से, सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाइव पेंट ग्रुप है, आप इसको लाइव पेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ अलबत्ता ये जरूरी है कि आप यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऊपर एक्सपैंड का ऑप्शन दिया हुआ, अगर आप एक्सपैंड कर दो एंड राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करो तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे शेप्स, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई बिलीव यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइव पेंट बकेट कर क्या रही है। बैक टू आवर मिनियन, इसके अंदर हम कलर्स फिल करना चाह रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कलर्स देख लिया करें जिस चीज के आप कलर करना चाह रहे हैं। सो मिनियन वैम्पायर मैं सर्च कर रहा हूं, ओके इसका जो ये जैकेट है या कोट है ओवरकोट, ये इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक, एक्चुअली ब्लैक था जो मूवी में था, यस ये एक्चुअली कलर्स है। सो कॉलर्स आई मीन इसका ये जैकेट जो है कोट ब्लैक होगा और कॉलर्स अंदर से पर्पल होंगे, ठीक है, एंड बाकी तो येलो है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, मैं जल्दी से एक तो ये काम कर रहा हूं कि आप चाहें तो एक और काम कर लें कि अपना कलर पैलेट बना लें, वो ज्यादा इजी रहेगा। सो लेट्स से मैं यहां पर इसके अंदर जो है येलो फिल करना चाहूंगा और येलो भी कौन सा, थोड़ा सा ये मेट येलो है, मैं जल्दी से इसको यहीं से कॉपी ले रहा हूं पेस्ट, एंड इसमें मैं कलर पिक कर रहा हूं ये वाला, ठीक है जी, ओके एंड पर्पल कलर मैं ये वाला ले रहा हूं एंड ग्रे या ब्लैक ये ले रहा हूं, ग्लव्स का कलर ये ले रहा हूं, ऑलराइट आई गेस सही है, आई एंड दैट्स इट, बाकी चीजें हम खुद देख लेंगे, सही ना। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फटाफट से मैं इसमें अब कलर फिल करना चाह रहा हूं। सो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने लाइव पेंट बकेट लिया, इस पे एक बार क्लिक कर दिया एंड सी जैसे ही मैं ऑल्ट दबाता हूं मेरे पास कलर पेकर आ जाता है, सही है। सो यहां येलो, ठीक है, दैट्स इट, येलो इतना ही था। अब मैं ये पर्पल पिक कर रहा, मैंने ऑल्ट का बटन दबाया हुआ, याद रखें जब आप लाइव पेंट बकेट पे होते हैं ऑल्ट दबाएंगे तो आपके पास आई ड्रॉपर टूल आ जाता है, ठीक है। सो मैंने यहां और यहां ये कर दिया, इसमें मैंने ये डार्क
ग्रे कलर कर दिया एंड इसमें भी मैं कर रहा हूँ यही कलर. शूज में मैं चाह रहा हूं कि जी ब्लैक हो जाए. एंड या इसके ग्लव्स जो थे वो मैं ये कलर के कर रहा हूं. सो दैट्स इट. आई मीन ये देखें बहुत सिंपल सा मैंने काम किया है. इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी. मैंने ये कलर यहां पे भी डालना है. ओके ये कलर मैं इसके गॉगल्स के जो ये बैंड है इस पर डाल रहा हूँ. एंड इसी का एक लाइटर टोन मुझे चाहिए. मैंने यहाँ इसकी कॉपी ली और मैं इसका लाइटर टोन निकाल रहा हूँ. यहाँ से आप निकाल लो. ठीक है जी. एंड ये किया एंड ओके इसमें येलो आएगा तो ये वाला येलो यहाँ यहाँ और यहाँ. आई का कलर इसका ये. दैट्स इट. सो आई बिलीव दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क. इतनी बड़ी चीज नहीं थी लेकिन चूंकि यार इम्पोर्टेंट थी ये होना जरूरी था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया भी. तो दोनों चीजें कंबाइंडली बहुत अच्छे से काम आती है. सो वन इमेज ट्रेस, सेकेंड आपका लाइव पेंट बकेट. नाउ लाइव पेंट बकेट में एक और छोटी सी चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके पास लाइव पेंट सिलेक्शन दिया हुआ है. इससे ये होता है कि आप अपने लाइव पेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इसका फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किए और इन सब में मैं थोड़ा सा कलर डार्क करना चाह रहा हूँ. शो ऑप्शंस करें एंड लेट्स गो टू HSB. मैं यहाँ से इसको डार्क कर देता हूँ. ठीक है जी. अगर आप डी सेलेक्ट कर देंगे बाहर क्लिक कर दें. सॉरी सी दिस, ये हो गया इस तरह से. आप चाहें तो ग्रेडियंट्स वगैरह डाल के भी इसमें कलरिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं. मैंने इस वक्त इस पे इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी. मैंने बहुत सिंपल सा रखना था एंड आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा. और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.